नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर कामन पब्लिक स्कूल में। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि कामन पब्लिक स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया। पूरे स्कूल की मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूं आपको, पूरे अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। 14 तारीख को सरकार द्वारा एक आर्डर निकाला जाता है कि 9वीं कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक स्कूलों को खोला जाएगा। उस दिन स्कूलों को खोला गया था, लेकिन 21 तारीख को ये कहा गया था कि अब छोटी क्लासेस को भी खोला जाएगा। और आज उसी तरह से उन स्कूलों को खोला गया है। और मैं आपको कामन पब्लिक स्कूल में लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल हैं। बच्चों को फूल दिए जा रहे हैं, बच्चे पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद फूल देकर उन्हें अपने अपने क्लासेज में भेजा जा रहा है। देखिए, फूलों की वर्षा की जा रही है बच्चों पर। पिछले 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं आए थे और बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, और आज स्कूल पूरी तरह से खोले जा रहे हैं। और ये बच्चों की मैं लाइन दिखा रहा हूँ आपको कि बच्चे, ये सभी के सभी बच्चे ये इसी स्कूल में पढ़ते हैं, और इसी स्कूल में ये बच्चे आ रहे हैं। यूनिफॉर्म पहन रखी है बच्चों द्वारा, और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। 2 साल से बच्चे घर में थे और बच्चे घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो बच्चों के मन में ये रहता था कि स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। लेकिन सरकार द्वारा बड़ा अच्छा एक आदेश जारी किया गया कि बच्चे सभी स्कूलों को खोला जाएगा और बच्चे अपनी अपनी क्लासेज में आएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि जैसे कि ये देखिए, ये बच्चे सभी के सभी बच्चे आ रहे हैं। ये मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूँगा यहाँ पर। गुड़िया, सबसे पहले वीरा चैनल में आपका स्वागत है, और ये बताएं कि 2 साल के बाद स्कूलों को खोला जा रहा है। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम काजल वर्मा है, मैं कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे 1.5-2 साल बाद दोबारा स्कूल रीओपन हो गए हैं। हमें कोई भी दिक्कत ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आई। हमारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बहुत हेल्प की है, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई, टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट हुए, टाइम टू टाइम हमारे यूनिट टेस्ट भी हुए। ऑनलाइन मोड हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए भगवान ना करे दोबारा कोई भी ऐसी पैंडमिक आए और हमें ऐसे सफ़र करना पड़े। बढ़िया, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि 2 साल तक आप घर में रहे हो, क्या आपका मन करता था स्कूल खुले, हमारे उस स्कूल में जाएं? यस सर, ज़रूर करता था। हम भी चाहते थे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हों। एक स्कूल में आना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हों। ऐसे ऑनलाइन मोड भी हमारा बहुत अच्छा था। हमारे स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत हेल्प किया उन्हें हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाने में। लेकिन कहने कहीं देखो तो अपने फ्रेंड्स से दूर रहना, दोस्तों से दूर रहना, तो अब ऐसा नहीं होगा। जी, अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हमारे जो है स्कूल रीओपन हो गए हैं दोबारा। अब भगवान ना करे दोबारा कोई भी ऐसी पैंडमिक आए और हमें ऑफलाइन क्लासेस से मतलब दूर रहना पड़े और ऑनलाइन मोड पे आना पड़े। क्या नाम बताया अपना? काजल वर्मा। काजल वर्मा, ये देखिए, ये इसी स्कूल की ये छात्र थी काजल वर्मा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो बच्चों में भी ये रहता था कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे। सरकार द्वारा बड़ा अच्छा फैसला लिया गया, 14 तारीख को 9वीं कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए थे, क्लासेस खोली गई थी, लेकिन 21 तारीख को कहा गया था कि पूरी तरह से